सो गाइस फाइनली आज डिसीजन हो गया, हम जा रहे हैं मालदेवता। और आज मालदेवता में मैं आपको दिखाऊंगा किसको कहाँ जा रहे हैं। हम मालदेवता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कार से भी जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं घूमने करने? मालदेवता। तो अभी तन्नु भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। और अभी बज रहे हैं लगभग 12। अब मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मैं वहाँ पहुँचने में। तो 2:30-3 बजे तक हम वहाँ से निकलेंगे। और ये देखो किशु रेडी हो रखा है, ये उसकी मम्मी है। चलो भाई किशु हेलो बोल दो। हेलो गाइस कर दो सबको। चलो लेट्स सी। ओके किशु की गाड़ी की चाबी कहाँ है? कार कीज कहाँ है किशु की? कार कीज कहाँ है? ये है पापा की कार कीज। हाँ मैं लेके आता हूँ। चलो गाड़ी तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं माल देवता। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफ़ी लो है। और मैं देखो मैंने जैकेट भी पहनी हुई है, तो मतलब तब भी ठंडा महसूस हो रहा है इस टाइम। सो अभी हम बस जा रहे हैं। और ये देखो ये किशु और ये किशु की मम्मी। और हमारे साथ आ रखी है सरस्वती। तो ये है यहाँ पर नीचे नदी में जाने का रास्ता। और यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो तो भी पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ पर एक पैसा बना रखा है उन्होंने, मतलब एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल टाइप का है यहाँ पे। चलो आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हम नदी में हैं, एक आ रहे हैं, इधर से चलते हैं इधर से। और रुको रुको यहाँ तो गाड़ी जगह रास्ता नहीं है, उधर से ही है, उधर से ही, उधर से लो मेरे को दे दो किसी को आप। सो फाइनली जो है हमें यहाँ पे मिल गया है, खाना पीने का इंतजाम हो गया है। भाई साहब यहाँ हम जो है क्या बना रहे हैं, मैं ऐसे उठा के देख लूँ ना क्या, कोई हल्के से उठाएं। आज बन रहा है देखो यहाँ पे बढ़िया पार्टी हो रही है। चिकन है क्या? ओहो चिकन दबा के चिकन बन रहा है। और अभी जो है यहाँ पर हम जाएंगे उस तरफ। और ये देखो तन्नु बैठी है यहाँ पे। किशु क्या कर रहे हैं हम? अरे देखो सरस्वती से भी मिल लो आप, है ना। सो गाइस बस अब हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, मैं और किशु एक साथ जाएंगे। तो कितने लोगों का खाना बना रहे हैं यार आप? कितने? 8 से 10। 10 लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा देहरादून के आप लोग, बढ़िया यार, हमें भी यही करना चाहिए था आज। ये देखो ये तन्नु पीछे से ट्रैकिंग करते आ रही है, और उसकी हील की वजह से चलने में दिक्कत भी हो रही है उसको, है। देख छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाओ पानी में। ये देखो ये हमारा लड़का क्या कर रहा है, ये देखो खाना बन रहा है ऐसे। सही सस्ती यार, हमें भी लेके जाना चाहिए छोटा गैस सिलेंडर। फाइनली जो यहाँ पर लोग जनरली देखने को मिल रहे हैं वो इस सामने वाले वाटरफॉल पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसी वाटरफॉल के लिए या एक वैकेशन के लिए लोग यहाँ आते हैं जनरली। सभी लोग अपने साथ खाना पीना ले करके आए हुए हैं, और उसी खाने पीने से मतलब बना रहे हैं। 2-3-4 घंटे यहाँ पर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जनरली यहाँ पर चंडीगढ़ के, हरियाणा के, यूपी के बच्चे, दिल्ली के लोग काफ़ी आ रहे हैं। वीकेंड का वीकेंड हो जाता है। और इस तरह से देख सकते हैं आपकी वीडियो में शूट वूट करने के लिए अच्छा सा वीडियो ले लेते हैं बस। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, लगभग अभी 100-150 लोग तो होंगे इस तरह के एरिया में। तो बस एक फ़ोटोग्राफी हो गया, इन्जॉयमेंट हो गया बस, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा खास। लेकिन ये कि मालदेवता एक फेमस जगह है। अभी क्योंकि पानी कम है रिवर में तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब रिवर में पानी थोड़ा अच्छा आ जाएगा तो अच्छा लगता है। और गर्मियों में खासकर यहाँ पर लोग नहाने वाने के लिए भी करेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो कोई नहाएगा तो है नहीं ज़्यादातर। तो बस गाइस इसी के लिए कि अगर आप देखना चाहें तो अभी आपको और भी क्लिप्स दिखाता हूँ इसकी अच्छी अच्छी। फिशिंग जोन भी बढ़िया है यहाँ पर, लोग फिशिंग भी करते हैं बढ़िया।
रुके हैं चाय पीने के लिए और यहाँ पर हम कुल्हड़ में चाय पीने वाले हैं और इस सरस्वती ने पूरा पैकेट ही ले लिया है मोमोज का। ये देखो पूरा, और ये देखो यहाँ पे नदी के पास ही कोटिंग नहर है बेसिकली एक। सुमित भाई, तो चलो सुमित भाई, कितने टाइम से हो गया सुमित भाई आपको यहाँ? लॉकडाउन के बाद शुरू किया था। और किस नाम से आपकी ये तो शॉप? कालंगा कैफे। किसका नाम है? नहर बह रही है। अच्छा, ये जो नहर है ना, इसका नाम है कालंगा। ओके, तो क्या क्या बनाते हो आप? हमारे यहाँ जो हमारी स्पेशलिटी है लौकी मोमो। लौकी मोमो जो हम अभी खाने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये मूविंग मैन है या परमानेंट रहती है? परमानेंट ही है। ओके, बढ़िया जी यार, बढ़िया। अच्छा, सही है। तो कालंग भाई के साथ एक असिस्टेंट में पूरा उनका साथ देते रहते हैं। और सचिन भाई की कैफे कालंगा में जरूर रुके हैं आप एक बार और देखें जरूर। और वो देखो तन्नु वहाँ पर बैठी हुई है। स्पेशली आ गए हैं हमारे पास कालंगा कैफे के लौकी मोमो, और लौकी मोमो का मैं मजा लेते हैं। तो ये मैं जा रहा हूँ तन्नु को देने लौकी वाले मोमो, और ये तन्नु खाएगी अब लौकी वाले मोमो। बहुत बढ़िया है लौकी वाले मोमो है। हाँ, तो ये तन्नु जो है बताएगी कि कैसा टेस्ट है इनका। जरा टेस्ट कैसा है, कैसे लग रहे तेरे को? बढ़िया लग रहे? एक और मंगाऊं? लौकी वाले मोमो सच में स्पेशल है, आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था, बहुत डिफरेंट है थोड़ा मोमो, मतलब मोमो सच में लगा कुछ डिफरेंट आया मोमो। आप भी अगर मालदीवटा की साइड आए तो बिल्कुल कॉर्नर पे रोड है, कैफे भी रोड पे ही है, जाते हुए बैठे खाएं।